गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक फाइनली ये गेम लॉन्च हो गया है। 5.5 साल से ये गेम डेवलपमेंट में चल रहा था और ये जो गेम है बेस्ड है नॉर्स माइथोलॉजी पे। अगर आपको नहीं पता तो शायद आपने थॉर की मूवी नहीं देखी है, पर जो थॉर की मूवी है वो नॉर्स माइथोलॉजी पे बेस्ड है। और इस गेम में भी आपको सेम जो कैरेक्टर्स है कुछ थॉर की मूवी से देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस गेम का जो मेन कैरेक्टर है वो क्रेटोस है। और भाई जब मैंने पुराना वाला गेम देखा था इसका, वो बहुत अमेजिंग था। और रैग्नारॉक अपने साथ नई स्टोरी लेके आता है, तो इस गेम के जो विजुअल्स है वो बहुत अमेजिंग है। इवन यार इसके जो विजुअल्स है वो फिल्म्स को भी बीट कर देते हैं, तो मुझे बहुत पसंद आया। और इस पे एट्रस जो है वो बड़ा हो गया है, पहले वाले गॉड ऑफ वॉर में काफी छोटा था। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, एट्रस जो है वो लोकी है। इस वाले गेम में कैरेक्टर्स के जो नाम है वो काफी डिफरेंट है, पर इसमें आपको लगभग काफी कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि इसमें थॉर भी है और वो काफी मोटा है, और फ्रिगा है, ओडिन है, और भी ढेर सारे इसमें कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मैं सारे कैरेक्टर्स का नाम लूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर हाँ इसमें ढेर सारे आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में काफी सारे कैरेक्टर्स है और आधे तो हमने देखे भी नहीं है। सो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक का जो ये अपडेट है ये काफी अमेजिंग है। और ये जो गेम है लॉन्च हो गया है PS5 और PS4 में भी, पर अगर आपके पास PS5 है तो आप ज्यादा इस गेम का मजे ले पाओगे क्योंकि कुछ जो हैप्टिक है PS5 के कंट्रोलर में वो आपको PS4 के कंट्रोलर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऊपर से ये जो गेम है काफी इंटेंस है, हैवी ग्राफिक्स वाला गेम है, तो बेहतर होगा आप इसको PS5 में ही खेलो। और भाई इस गेम का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी मुझे काफी अमेजिंग लगा। तो जब गेम स्टार्ट होता है तो क्रेटोस काफी उदास सा बैठा होता है, उसके हाथ में एक पोटली होती है। उस समय जो म्यूजिक बजता है वो काफी हिला देने वाला म्यूजिक था, तो मुझे तो काफी पसंद आया ये गेम। और आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या आपने ये गेम खेला है, और अगर खेला है तो आपको कैसा लगा। सो दैट्स बीन सेड, इस वीडियो को मैं यहीं रैप करता हूं और मिलता हूं आपको किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक ले दोस्तों, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑसम।